This conference will now be recorded. Okay, are you able to see my record screen? Yes. Yes, Prasanna. Okay, so. So, till yesterday we have covered different kind of records, right? And you can see that websites is running. So if I'm opening this website, this is pointing to the server, right? And if I open this server as well, which is an AWS hosted server, right? This could be your on-prem server, this could be your AWS hosted server or AWS alias, AWS resource as well. So one thing, like, it is not like it will be only AWS server, it could be any on-prem server as well if it have the IP address. So there is no mandatory thing that resource only should be existent to AWS. Okay, you can manage Route 53 service only also. Now another point is, there are something called health check. Health check. So health check is also available. And health check you can use. Okay. So let me open my document. Course content. And we have some deliverables which we need to ensure that we know those points to crack the exam, and we'll ensure that we cover all those things. Apart from this, अच्छा प्रशांत, जो AWS पे जो जैसे रजिस्टर माय डोमेन में हम लोग जाते हैं तो जैसे एग्जैक्ट अमाउंट दिखाते हैं ना, $5 या $10, $5 या $10, हाँ मतलब व्हाटएवर इट इज, वो मतलब उतना ही होता है कि मैंने कल मैं गोडैडी पे चेक कर दो, वो पहले दिखा रहा है 200 300, बाकी बाद जब आप ऐड टू कार्ट कर रहे तो वो कॉस्ट फिर ऑलमोस्ट डबल हो जा रही थी। तो मतलब मैं इससे कह रहा हूं कि इस पे ऐसा है कि जो अगर $5 या कुछ भी दिखा रहा है तो वो उतनी होती है या कुछ ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा कुछ और चार्जेस है? नहीं, इसमें तो वो आपका रिवाइज हो जाती है, बस सेम वही रिवाइज होती है। अगर वो $11 दिखा रहा है या $2 दिखा रहा है तो वही सेम आपका नेक्स्ट ईयर भी रिन्यू होगा, कोई डिस्काउंट या एक्सेट्रा नहीं है। मतलब एक्चुअली गोडैडी प्रमोशन स्कीम पे काम करता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो प्राइस है वो फिक्स है। इफ यू आर टेकिंग समथिंग गोडैडी में वो दिखाता है, जब आप ऐड टू कार्ट पेमेंट वगैरह पे जाते हो ना तो वो ज्यादा फिर पता नहीं क्या ऐड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेक्स्ट ईयर की कंडीशन लगा देता है। मतलब वो फर्स्ट ईयर आपको डिस्काउंट दे रहा होता है और नेक्स्ट ईयर वो आपको बोलता है कि आप अगर 2 इयर्स का लेते हो तो वो लेगा उसका फिर कुछ चार्ज लगा देगा, 500 या 600 जो भी उसका चार्ज है वो लगा देगा। इसमें ज्यादा टाइम के नॉर्मल केसेस में होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म में आप लो तो कम पड़ना चाहिए, बट वो उल्टा है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लो तो महंगा है। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर वो जब जो आपका इनिशियल है ना, आई थिंक आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे होंगे, है ना, अभी वो जब आप फर्स्ट टाइम बाय करते हो तो वो डिस्काउंट देते हैं न्यू कस्टमर्स को, अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं। तो वो इस तरीके से दिखाते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको 99 में दे दिया, राइट, एंड सेकंड ईयर के लिए आपको अराउंड 600 का रिन्यूअल प्राइस दे दिया, राइट। तो उसी अब आपको वो बोल रहे हैं कि हमने 2 इयर्स का दिया है, उसमें आपको फर्स्ट ईयर का 99 रुपीज पे दे दिया, कंडीशन लगा दी, लेकिन आपको लेना 2 साल का पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मतलब अगर आप एवरेज लगाओगे तो 300-400 रुपये पड़ जाएगा, राइट। तो ये होता है इसका, जो मैंने देखा है अधिकतर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आप 1 साल का लोगे तो आपको 500 समथिंग का कुछ पड़ता है, 400-500, बट आपको 1 साल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बट फर्स्ट ईयर में ज्यादा डिस्काउंट कुछ देते नहीं है। आपके पास ऑप्शन होता है वहां पर चेंज करने का, आप चाहो तो 2 इयर्स की जगह 1 ईयर भी कर सकते हो, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते हैं।
ठीक है जी। तो चलो, तो ये है आपका। हाँ, सो आई वॉज एट वर्क प्लेस। सॉरी गाइज, अगर आपका नॉइज का प्रॉब्लम ज्यादा फेस हो रहा हो तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ छठ पूजा है तो उसकी वजह से काफी सॉन्ग चल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर आप तक क्या कंडीशन है, बट अगर डिस्टर्बिंग हो तो मुझे बता देना, विल स्किप फॉर दैट। सो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट, हाँ, पोस्ट आई वॉज टेलिंग अबाउट हेल्थ चेक। ठीक है, तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड हेल्थ चेक एज वेल। आप हेल्थ चेक कर सकते हो यहाँ पर, और आप इंश्योर कर सकते हो कि इफ योर सम वेबसाइट गोज डाउन, राइट, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन है। इस तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो यू नीड टू गो टू ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द हेल्थ चेक पार्ट। ओके, वंस यू गो टू हेल्थ चेक, यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट हेल्थ चेक पर। अब देखो ये ऑप्शन अवेलेबल है, राइट, तो वेबसाइट हेल्थ चेक, मैंने कुछ भी नाम दिया इसको, राइट, देन व्हाट टू मॉनिटर, व्हाट टू मॉनिटर एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट इट कुड बी एंड पॉइंट, इट कुड बी अदर हेल्थ चेक एज वेल। जैसे सपोज करो आपने ये हेल्थ चेक बनाया और आप मल्टीपल हेल्थ चेक को मॉनिटर करना चाहते हो, राइट, मतलब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर ये वाला हेल्थ चेक काम कर रहा है या ये वाली वेबसाइट काम कर रही है तो आपकी वो सर्विस सही काम कर रही है, राइट, तो आप अदर हेल्थ चेक को भी मॉनिटर कर सकते। ठीक है, तो आप बता दो कि कौन सा मॉनिटर आप हेल्थ चेक मॉनिटर करना चाहते हो। तो अभी तो ये हमारा फर्स्ट हेल्थ चेक है, तो हमारे पास मल्टीपल हेल्थ चेक अवेलेबल नहीं है, राइट, बट इफ यू वॉन्ट टू मॉनिटर अदर हेल्थ चेक एज वेल, सो यू कैन डू दैट। देयर इज वन सर्विस विच इज कॉल्ड क्लाउड वॉच अलार्म। ठीक है, सो क्लाउड वॉच अलार्म, अभी वी हैवंट गॉन थ्रू विद क्लाउड वॉच, राइट, तो क्लाउड वॉच में यू कैन सेट अप द अलार्म। बेसिकली वॉट क्लाउड वॉच डू, बेसिकली वॉट क्लाउड वॉच डू, इट मॉनिटर्स योर सर्विस। इज अ मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। ओके, क्लाउड वॉच इज ए बेसिकली ए मॉनिटरिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सो एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट कुछ हमें मॉनिटरिंग करना है तो आपको दो टूल्स रहेगा, वन इज क्लाउड वॉच, वन इज क्लाउड ट्रेल। ठीक है, सो क्लाउड ट्रेल इज यूज फॉर लॉगिंग ऑल द इवेंट्स और एक्टिविटीज हैपनिंग इन योर AWS अकाउंट। ओके, बाय डिफॉल्ट ये 30 डेज का एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सपोज करो आपने लॉग इन किया सर्वर पर, आपने कोई सर्वर डिलीट किया, क्रिएट किया, बकेट्स पे काम किया, कोई भी एक्टिविटी आप जो अभी तक कर रहे हैं हम लोग, वी कैन सी इन टू क्लाउड ट्रेल। ठीक है, तो ये वो बाय डिफॉल्ट मॉनिटर करता है, लॉक करता है, मतलब उसने एक एक्शन आपका लॉक कर लिया कि बस ये एक्शन हुआ है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लेगा, राइट, कुछ एक्शन नहीं लेगा। तो होगा क्या कि आपके पास लॉगिंग तो हो गई, बट सपोज यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन, आप क्या करोगे, तो वो आप क्लाउड वॉच की सर्विस यूज कर सकते हो। तो क्लाउड वॉच पे क्या कर सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर एक्शन पर अलार्म सेट कर सकते हो कि भाई ये नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सपोज करो किसी ने S3 बकेट डिलीट किया, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। आपका कोई EC2 सर्वर डाउन हुआ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा भी मॉनिटर करना चाहते हो, राइट, तो आप अलग स्टेटस क्लाउड वॉच अलार्म पर भी देख सकते हो, मतलब क्लाउड वॉच अलार्म बनाया हुआ है आपने कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में कोई EC2 इंस्टांस डाउन होती है या एनी स्पेसिफिक इंस्टांस डाउन होती है तो ये हेल्थ चेक ट्रिगर हो जाए, ऐसा कर सकते। ठीक है, या फिर ये एंड पॉइंट आपके पास है ना, एंड पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, एंड पॉइंट में यू कैन मॉनिटर IP एड्रेस और एज वेल एज डोमेन नेम। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं।
दोनों ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो, या दोनों ऑप्शंस आप अपने अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सपोज मैं कहता हूँ इफ दिस आईपी एड्रेस गोज फेल, ठीक है, तो अगर ये आईपी एड्रेस फेल हो जाता है, ठीक है, तो ये हेल्थ चेक ट्रिगर होगा, राइट। और अगर इफ इन केस ऑफ डोमेन, इन केस ऑफ डोमेन क्या होगा, AWS लर्निंग डॉट इन अगर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है तो ये हेल्थ चेक ट्रिगर होगा, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन 80 पोर्ट पे होस्टेड है, योर एप्लीकेशन माइट बी होस्टेड ऑन सम अदर पोर्ट। अगर वो कुछ अदर पोर्ट पे है तो आप वो पोर्ट नंबर यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। सर्विस कौन सी है, HTTP है, HTTPS है या TCP है, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका पाथ क्या है, बाय डिफॉल्ट जो पाथ है मेरा वो है index.html, राइट। तो ये यूज कर रहा है, और जब आप वेबसाइट डेवलप करते हो तो ये पाथ बाय डिफॉल्ट होता है, index.html, index.php, इस तरह के पेजेस बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो इसलिए मुझे index.html लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बट आप चाहो तो अगर आपका कोई कस्टमाइज पेज है, ठीक है, मान लो ये home.php है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना वेबसाइट्स में, इस तरीके से ही होता है। अगर वो कोई अदर पेज है, डिफॉल्टेड पेज है, तो वहां पे आप उस पेज पे लिंक कर सकते हो, तो आप पाथ स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर मी इट इज बाय डिफॉल्ट पाथ, सो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा। देन गो टू एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं इफ यू वांट टू डू, लाइक रिक्वेस्ट इंटरवल अभी बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड है, मतलब एवरी 30 सेकंड पे आपका हेल्थ चेक ट्रिगर होगा और वो चेक करेगा वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। यू कैन चेंज इट टू 10 सेकंड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। फेलर थ्रेशोल्ड, तो कितने टाइम पे वो डिसाइड करे कि भाई फेल हो गया है, तो 3 टाइम्स अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपकी साइट को फेल कर देगा, राइट। स्ट्रिंग मैच करना है कि कोई पर्टिकुलर एरर मैसेज आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो स्ट्रिंग मैच कर सकते हो, तो इसके बारे में और डिटेल आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो जो रिस्पांस बॉडी आ रही है आपका, जो भी रिस्पांस आ रहा है उस पे कुछ पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग सर्च करना चाह रहे हो। जैसे एक होता है HTTP सक्सेस 200, अगर सक्सेस 200 है दैट मींस आपका वेबसाइट प्रॉपर चल रही है या आपका वेबसाइट प्रॉपर है, तो वो एक आप स्ट्रिंग चेक कर सकते हो। तो इस तरीके का कोई कस्टमाइजेशन स्क्रिप्ट पर देखना चाहते हो, स्ट्रिंग पर देखना चाहते हो कि रिस्पॉन्स में मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आप कर सकते हो। तो ये वेब डेवलपर आपको बताएगा कि भाई उसने क्या डिजाइन किया है, और अगर वो कोई स्ट्रिंग सर्च करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकते। बाकी जो यूजफुल ऑप्शंस हैं आपके पास आ जाता है, डिसेबल हेल्थ चेक तो आप नहीं करोगे, है ना, तो कुछ भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट डिसेबल हेल्थ चेक आर कंसीडर हेल्दी, मतलब अगर आपने ये ऑप्शन टिक कर दिया तो इसको ये हेल्दी ट्रीट करेगा, ठीक तो वो हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हेल्थ चेक इन रीजन से सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो इन रीजन से वो पिंग करके देखता है, कनेक्टिविटी करके देखता है कि यस रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट सपोज करो नॉर्थ वर्जीनिया में तो प्रॉपर चल रही है, बट सिडनी यूजर्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। और सिडनी यूजर्स आपके पास कंप्लेंट करते हैं कि बॉस वी आर गेटिंग स्लो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर वेबसाइट, और आप अपने पास चेक करते हो तो आप पाते हो कि भाई ये तो सब कुछ ठीक है, राइट। सो इट कुड बी पॉसिबल कि उस पर्टिकुलर रीजन की कुछ नेटवर्क इशू हो, राइट, वहां पर कुछ कंसर्न हो, तो वो चीज आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इस रीजन से पिंग करता है हेल्थ चेक, राइट। और इसकी कॉस्टिंग है, मतलब इसकी कॉस्टिंग है होस्टेड जोन जैसे ही आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो हाफ डॉलर पर मंथ आपकी कॉस्टिंग लगती है। मैं बता रहा था मैं एमएस करके प्राइस का, तो हाफ डॉलर पर मंथ आपकी कॉस्टिंग लगती है एक होस्टेड जोन पर। अगर आपने होस्टेड जोन क्रिएट कर दिया तो उस होस्टेड जोन के बाद आप उसमें कितने भी रिकॉर्ड बना सकते हो, उसका कोई प्राइसिंग नहीं है, बट पर होस्टेड जोन देर इज ए कॉस्ट हाफ डॉलर पर मंथ, ठीक है। एंड फॉर हेल्थ चेक
ये कॉस्ट शायद $0.5 है या शायद $1 है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो प्राइसिंग के अंदर। आई वांट कि आप थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ों को। तो आप हेल्थ चेक की या राउट 53 की प्राउसिंग में जाओगे तो आपको हेल्थ चेक का प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो इट इज $0.5, एक्सक्यूज मी, $0.5 और $1 पर मंथ, ठीक है। तो ये प्राइसिंग है पर हेल्थ चेक। जैसे ही आप एक कोई हेल्थ चेक कॉन्फिगर करोगे उस पर आपकी प्राइसिंग मिलेगी, ठीक है। आई नॉट श्योर कि फ्री टायर में कुछ कवर हो रहा है या नहीं हो रहा हेल्थ चेक के रिगार्डिंग, तो एक बार चेक कर लें। दिस इज वॉट समथिंग, ठीक है। बाई डिफॉल्ट ये कर सकता है, आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो यू यू कैन डू, ठीक है। अदरवाइज यू कैन गो विद द बाई डिफॉल्ट सेटिंग्स, दैट इज फाइन। तो आई जस्ट क्रिएटेड वन हेल्थ चेक, वेबसाइट हेल्थ चेक, आर डोमेन नेम दिस, एंड इफ इट डॉट फेल दिस हेल्थ चेक विल बी अलर्ट, ओके। एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो क्या करे, राइट। तो इस दैट अलार्मिंग सिचुएशन कि आपका हेल्थ चेक फेल हो गया, तो आई से यस, ठीक है। तो ओके, अलार्म तो बन गया है, बट किसी को नोटिफिकेशन सेंड करना है क्या? तो कुछ मेथड्स हैं, आप एसएनएस नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, राइट। एसएनएस नोटिफिकेशन में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिगर कर सकते हो ये एसएनएस नोटिफिकेशन। नॉर्मली आप किसी को ईमेल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, राइट। या आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो मे बी यू आप किसी एचटीटीपी वेबसाइट पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब किसी वेबसाइट पे फॉरवर्ड करना चाहो तो वो भी आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन पे कर सकते हो, राइट। या अगर अगर ये हेल्थ चेक फेल होता है तो ये ट्रिगर हो जाए इस लैम्डा फंक्शन पे, और वो लैम्डा फंक्शन कुछ एक्शन परफॉर्म कर दे, ठीक है। Could be possible. SQS Q को कर सकते हो, ठीक है। तो these are options, there are options कि आप अलग अलग options कर सकते हो। Normally email and SMS आपका use होता है, normally email and SMS आपका use होता है, but बाकी भी as per requirement हम लोग use करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये alarm set किया और मैं इसको notification send करता हूँ, तो मेरे पास कोई notification, I don't know किस तरीके का है। मैं बोलता हूँ वेबसाइट फेल, और मैं एक अलर्ट सेट कर सकता हूँ, तो मैं अपने ईमेल आईडी पर, और आप लोग अपने केस में आप अपने आईडी पर एक मेल सेंड कर सकते हो, राइट। तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इफ यू वांट टू सेट सेंड इट टू वाया एसएमएस, दैट इज आल्सो पॉसिबल, आई विल टेल यू हाउ, ठीक है। तो व्हेन वी रीड एसएनएस सर्विस ना, सो वील टॉक अबाउट दिस। बट आपको करना क्या है, आपको जस्ट एग्जिस्टिंग कोई एसएनएस टॉपिक चूज कर लो, या फिर आप एक नया क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रिएट हेल्थ चेक करते हैं। तो नाउ माय वेबसाइट एक्चुअली वर्किंग है ना, सो इट शुड बी ओके, हेल्थ चेक शुड बी ओके, इट शुड बी ग्रीन, राइट। सो राइट नाउ द स्टेटस इज अननोन, बिकॉज इट जस्ट स्टार्टेड, राइट। तो इसके पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये एक्चुअली में वेबसाइट अप है या नहीं है। तो वट विल डू, वट विल डू, ये 2-3 मिनट्स लेता है नॉर्मली, within 5 मिनट्स ये आपका सिचुएशन ओके हो जाता है, एंड उसके बाद आप इसको कर सकते, ठीक है। तो ये ग्रीन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और अगर फेल होगा तो रेड हो जाएगा। एंड देन आपके पास ये जितने भी हेल्थ चेक आप बनाओगे वो सारे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो जो भी चेंजेस वगैरह करना है वो यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो सारी एक्टिविटीज आपको दिखा देता है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। तो सिंपल चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट यूजफुल चीज है। आप अपनी वेबसाइट्स को कभी भी बनाते हो तो आप उस पर मॉनिटरिंग सेटअप कर दो,
और आपका वेबसाइट हमेशा अप रहेगा, अगर कभी डाउन हुआ तो आपको पता भी लग जाएगा, राइट। तो लास्ट 2 वीक्स तक की आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, कैसा आपका हेल्थ चेक चल रहा है, क्या स्टेटस था, राइट। कुछ अलार्म आपने बनाया, तो जैसे हमने अलार्म बनाया है जिसमें हमारे पास एक नोटिफिकेशन जा रहा है, कुछ टैग्स आपको ऐड करना है, राइट। हेल्थ चेक किस किस रीजन से हो रहा है, इफ यू सी नाउ अभी क्या हो रहा है, ये फेल है या आई थिंक ये फेल हो रहा है, राइट। तो अगर हमें हम देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। एंड इट इज ट्राइंग फ्रॉम डिफरेंट आईपीज, है ना। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो अभी फेल हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस लिए आ रहा है ये। देखो अनहेल्दी हो गया ना, तो दिस रिक्वेस्ट इज गेटिंग फेल एक्चुअली राइट नाउ, ठीक है। तो देखते हैं क्यों फेल हो रहा है। वेबसाइट डाउन है, वेबसाइट Yesterday I terminated this server, ठीक है। So I don't remember, तो मैंने I think terminate कर दिया था इसको, and this server is no longer more available. So let me quickly launch the server again. ठीक है, इसको आईपी को हम अपडेट कर देते हैं हेल्थ चेक में। हाँ सो देयर इज नो आईपी, मैं डोमेन से चेक कर रहा हूँ, राइट। सो राउट 23 में आपको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। इज इट क्लियर कि हमको ये जो अपडेट अपडेट है वो एक राउट 23 में हमको अपडेट करना पड़ेगा, अगर हमारा ये वेबसाइट का रिकॉर्ड अपडेट हुआ, करेक्ट। मैं होस्टेड जोन में जाऊंगा, और अभी जो AWS लर्निंग पॉइंट कर रहा है वो ओल्ड सर्वर को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो मैं इसको चेंज करके न्यू सर्वर पे इसको अपडेट कर दूं। ये आपका न्यू सर्वर पे आ जाएगा, और हर चेक हम क्योंकि सिर्फ वेबसाइट डोमेन मॉब कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम ये फिलहाल ही एनएल दिए, राइट। एंड विल स्टार्ट चेकिंग इन सम टाइम, ये आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। तो हेल्थ चेक क्लियर है, एनी डाउट इन हेल्थ चेक तो मुझे बता दो, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हेल्थ चेक क्लियर हुआ कि हेल्थ चेक कैसे बनाते हैं और क्या यूज केस है हेल्थ चेक का। यस
वो इस तरीके से आप अपना हेल्थ चेक मॉनिटर कर सकते हो एंड गिव इट सम टाइम। तो इतने में मीन वाइल बाकी सेटिंग्स अपडेट कर लेता हूँ। इसमें एक मैं एक रिकॉर्ड और बना देता हूँ, आई थिंक होस्टेड जोन में। एक www के लिए भी एक रिकॉर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे दोनों रिकॉर्ड हो गए। ओके, इसके बाद जो राउट 53 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दैट इज अबाउट पॉलिसी। चेक हो गया, पॉलिसीज पॉलिसीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंटरव्यूज में और एग्जाम में, दोनों जगह आपको पॉलिसीज पर चेक किया जाएगा, पॉलिसीज पर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्या पॉलिसीज अवेलेबल है, क्या पॉलिसीज आप यूज कर सकते हो, राइट। ये काम आपके पास सबसे ज्यादा डोमेन रिलेटेड, तो आप अब बिजनेस रिलेटेड जितना भी काम है वो आप कर लोगे, बट पॉलिसीज का यहाँ पे काम आपके पास आएगा। लेट्स सी, जब आप रिकॉर्ड बनाते हो तो आपके पास कुछ पॉलिसीज हैं। क्रिएट रिकॉर्ड जब आप करते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसको बोलते हैं वेटेड जियो लोकेशन। यहाँ पे 5 टाइप्स की पॉलिसीज हैं ये, जो काफी ज्यादा फेमस है। मल्टी वैल्यू पॉलिसीज को हम ज्यादा यूज नहीं करते, राइट, बट डिपेंड करता है। मल्टी वैल्यू पॉलिसीज को हमने अभी इतना यूज नहीं किया। वेटेड सिंपल राउटिंग पॉलिसी हम लोग कर चुके हैं, नेम टू आईपी हम फॉरवर्ड कर देते हैं। देन यू हैव वेटेड पॉलिसी। वेटेड पॉलिसी में क्या है, वेटेड पॉलिसी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग योर ट्रैफिक टू मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल लोड बैलेंसर्स। ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स और मल्टीपल लोड बैलेंसर्स, राइट, और डिफरेंट पॉइंट आप उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, अभी AWS learning.in का जितना भी ट्रैफिक है वो जो मैंने आईपी डिसाइड किया उसी आईपी पर ट्रैफिक जा रहा है, या जो मैंने लोड बैलेंसर डिसाइड किया उसी लोड बैलेंसर पर जाएगा अगर मैं सिंपल पॉलिसी यूज करता हूँ तो। अगर मैं वेटेड पॉलिसी यूज करता हूँ तो आई कैन डिसाइड कि भाई अब कुछ ट्रैफिक AWS लर्निंग का इस सर्वर पर चला जाए और कुछ ट्रैफिक मेरा इस सर्वर और दूसरे दूसरे सर्वर पर चले जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ वाया यूजिंग वेटेड पॉलिसी। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक तो मैंने नेम दिया, ए रिकॉर्ड बनाया और सर्वर का आईपी दिया, पॉलिसी वेटेड सेलेक्ट किया और इसमें वेट सेलेक्ट कर लिया। तो द वेट कैन बी ए नंबर बिटवीन 0 एंड 255। इफ यू स्पेसिफाई 0, राउट 53 स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू डीएनएस क्वेरी यूजिंग द रिकॉर्ड। तो अगर आपने 0 किया तो दैट मीन्स उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, राइट। तो 0 करने की हमको जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रैफिक नहीं भेजना तो आप 0 कर सकते। मैंने इसको बोला, सपोज करो मैंने इसको बोला 50। ठीक है, हेल्थ चेक इज ऑप्शनल इन दिस केस, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। मैं रिकॉर्ड अगर क्रिएट करूंगा तो मुझे एक रिकॉर्ड आईडी देना, ठीक है, मुझे एक रिकॉर्ड आईडी देना। रिकॉर्ड आईडी इज नथिंग, इट इज ए यूनिक यूनिक वैल्यू, राइट। सपोज करो मैंने इसको 1 दे दिया और क्रिएट रिकॉर्ड किया, तो इट सेज आर आर सेट विद डीएनएस नेम, दिस सेट आइडेंटिफायर कैन नॉट बी क्रिएटेड एज ए नोन वेटेड सेट एग्जिस्ट विद द सेम नेम एंड टाइप। ठीक है, तो ऑलरेडी देर इज ए रिकॉर्ड अवेलेबल। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या। यस, सिंपल पॉलिसी यहाँ पे हम अवेलेबल है। व्हाट आई विल डू, आई विल डिलीट दीज रिकॉर्ड्स। ठीक है, एक बार में एक ही पॉलिसी के रिकॉर्ड चलेंगे, ऑब्वियस बात है। तो मैं ये दो रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ और मैं उसके बाद एक वेटेड पॉलिसी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो क्रिएट रिकॉर्ड,
है, वेटेड पॉलिसी। हर जगह ऑप्शनल है, वेट बने 50-20। रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, देन क्रिएट रिकॉर्ड किया, वेटेड पॉलिसी सिलेक्ट किया। अब जो दूसरी रिक्वेस्ट है, मैं उसके लिए दूसरा सर्वर को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको 30 किया, इसकी वैल्यू 2 कर दिया, ठीक है, क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 रिकॉर्ड क्रिएट होगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो ट्रैफिक को और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इसी तरह सर्वर पे चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, ट्रैफिक यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लाइक 50 किया था, 30 किया तो 20 कर देते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हम सिंपल पॉलिसी में अचीव नहीं कर सकते थे। अगर हम अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, तो वहां नहीं कर सकते। वेट वेट तो परेशान था मैं, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना। आप एक यूज केस देखो कि आपके पास कुछ ऑन प्रेम के सर्वर्स है, ठीक है, और उसमें किसी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हाई है और किसी की लो है, हो सकता है, हाँ ठीक है। तो आप लो एंड लो कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर पे 50% ट्रैफिक में भी आप ट्रैफिक नहीं करना चाहोगे, राइट। बट आपके पास एक हाई एंड का सर्वर है, तो आप बोलते हो कि ये तो ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, तो मैं इस पर 50% ट्रैफिक डाल देता हूँ। ये लो कैपेसिटी का सर्वर है, लेकिन मैं इसको यूज क्यों ना करूं, अगर मेरे पास है तो मैं इस पे 20% ट्रैफिक डाल सकता हूँ। मेक सेंस? तो ये राउंड रोबिन में जाएगा या कैसे जाएगा फिर, जो रिक्वेस्ट आएंगे नहीं 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 हमारी। नहीं ये रिक्वेस्ट आएंगी, जैसे आपके पास 10 रिक्वेस्ट आएंगी तो अप्रोक्सीमेटली 50% रिक्वेस्ट आपकी एक सर्वर पर चली जाएंगी जो आपने डिसाइड किया है, और जो भी आपका वेट है अकॉर्डिंगली, और 20% वेटेज आपकी करीब करीब दूसरे सर्वर पर चली जाएगी जो आपने स्पेसिफाई। और हम इसमें पीछे लोड बैलेंसर भी तो लगाते हैं ना, तो फिर मतलब इसमें और उस तो इस केस में हम लोड बैलेंसर यूज करेंगे या नहीं? गुड गुड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप वेटेड पॉलिसी चूज करते हो, और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलियास चूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आपके पास अगर लोड बैलेंसर, आप डिफरेंट लोड बैलेंसर पर भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो लोड बैलेंसर का बेनिफिट भी आप प्रॉपर, मतलब आपका एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका एनवायरनमेंट में लोड बैलेंसर है तो यू कैन यूज। अगर आप चाहो तो आप एक इलास्टिक बीन स्टॉक का एनवायरनमेंट है सपोज करो, और आप चाहते हो कुछ ट्रैफिक मेरा लोड बैलेंसर पर चला जाए, तो यू कैन डू दैट। अगर आप क्लाउड फंड डिस्ट्रीब्यूशन पे चाहते हो कि 50% ट्रैफिक मेरा इस क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन पर चला जाए और 50% ट्रैफिक मेरा इलास्टिक बीन स्टॉक पर चला जाए, वो भी पॉसिबल है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप डिफरेंट सर्विसेज पे आप ट्रैफिक यूज करते हो और उसको आप चेक करना चाहते हो। कई बार आप सपोज करो, एक और चीज आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्यूए का एनवायरनमेंट है आपका और कुछ प्रॉड का एनवायरनमेंट है ना। तो आप कुछ ट्रैफिक को, कभी आपने देखा जैसे कोई नया एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, तो आप सभी यूजर्स पर, तो प्रोडक्शन के सारे यूजर्स पर तो आप नई वेबसाइट ट्रांसफर चेंज नहीं चेक करना चाहोगे। अगर आपने अपनी वेबसाइट में या किसी मोबाइल ऐप में कुछ आपने चेंजेस किया और आप किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स को चीजें फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो व्हाट यू कैन यूज, उस केस में भी आप वेटेड पॉलिसी यूज कर सकते हो। भाई मैं 20% जो है इस लोड बैलेंसर पर डाल दो, और उस लोड बैलेंसर के पीछे आपके कौन से सर्वर्स हुए जो आपके टेस्ट यूजर्स हुए सपोज करो, ठीक है, और बाकी आपका एक एनवायरमेंट है जिसपे प्रॉड के सर्वर्स है, ठीक है। तो उस पर आपने अपना 80% ट्रैफिक रखा, 20% आपने इनिशियली उस पर ट्रांसफर कर दिया, या 10% ट्रांसफर कर दिया, राइट।
एंड जैसे 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 आपका टेस्ट होता गया, आप ट्रैफिक लोड इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके की चीजें करते हैं कि कुछ ट्रैफिक अगर हमें क्यूए या डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डालना है, कुछ बाकी फ्रॉड पे रखना है जिसपे ऑल्ट एनवायरनमेंट है, तो ऐसा आप कर सकते। इस तरीके के काफी अलग अलग यूज केस यहाँ पे बन जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट गाइज, है दैट्स फाइन. ना? तो ये वेटेड पॉलिसी मतलब काफी ज्यादा यूजफुल है। आप अलग अलग सिनारियोज में, जैसे मैंने एक आपको सर्वर का बताया कि अगर कोई लो कॉन्फ़िगरेशन हाई कॉन्फ़िगरेशन, और नॉर्मली मतलब अगर आपके डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो आप टेस्ट यूजर पर अगर कोई चीज टेस्ट रोल आउट करना चेक करना चाहते हो, तो वो आप वेटेड पॉलिसी के थ्रू कर पाते हो। सिंपल पॉलिसी में क्या होता है कि फिर आपका सारा का सारा ट्रैफिक ही मूव होगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको कभी भी रिकॉर्ड्स देखने हो ना, तो ये देखो बड़ा स्क्रीन आपको ना विजिबल है, देखो क्लियरली अच्छा, शो कर इसमें रहा इसमें एक्चुअली है। हम एच ए और डी ए मतलब डिजास्टर रिकवर डीआर और एच ए का क्या फंड है, कुछ इसमें आप भी सेट कर सकते हैं क्या? ये तो एच ए हो गया हमारा. हाँ, एच ए और डीआर भी कर सकते हो। मतलब आपने एक एच ए की साइट का एनवायरनमेंट बना दिया और एक डीआर की साइट का एनवायरनमेंट बना दिया। इसकी वैल्यू आपने जो डीआर की है, अगर आपने उसकी वैल्यू जीरो कर दी, अगर उसका वेट जीरो कर दिया, तो वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। राइट, ये भी एक अच्छा यूज केस है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं जाएगा, तो इन दैट केस जो भी ट्रैफिक आएगा वो आपके प्रोडक्शन वाले पर जा रहा है, या जो आपकी करंट साइट है उस पर जा रहा है। मान लो करंट साइट डाउन हो गई, तो उसकी वैल्यू जीरो से चेंज कर दिया, चेंज कर दो उसके, सारा ट्रैफिक जो है वहां पर चला जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिल्कुल। तो उस केस में आपका डीआर भी अचीव हो जाएगा इसमें। ठीक है. ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ से सब कुछ आपको दिख जाता है। तो गाइस थोड़ा ना इस तरीके से देखना कि कंसोल से ही आपको सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी, भाई हाँ कैसे कैसे आपका है चीज। तो ये वेटेड पॉलिसी आपको, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स नहीं है, तो मैं आई थिंक लॉजिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, और आप मल्टीपल सर्वर्स करके आप सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। उसके और पॉलिसी हैं जो नॉर्मली यूज होती हैं। सिंपल हो गया, वेटेड हो गया। एक जियो लोकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो जियो लोकेशन पॉलिसी क्या होता है? जियो लोकेशन पॉलिसी जैसे नेम से विजिबल है, आपके डिफरेंट लोकेशंस को पॉइंट आउट करती है। ठीक, तो इन जियो लोकेशन पॉलिसी एक डिफॉल्ट सर्वर हो गया। ठीक है, और आपने उसका कुछ आईपी डाल दिया, या जो भी लोड बैलेंसर के साथ आप अटैच करना चाहते हो, तो या जिस भी एनवायरनमेंट के साथ चाहते हो, यू कैन डू। तो आपने एक डिफॉल्ट सेट दे दिया, एंड फॉर अदर लोकेशंस इट इज डिपेंडिंग ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज। तो कॉन्टिनेंट और कंट्रीज बेस पे अगर आप कुछ सर्वर सेटअप करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। तो इट इज अचीवेबल थ्रू जियो लोकेशन पॉलिसी। तो सपोज करो कि इफ यू वॉन्ट टू से दैट फॉर एशिया यूजर्स दिस इज माई सर्वर, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एशिया यूजर्स दिस विल बी योर सर्वर, एंड फॉर यूजर्स फ्रॉम से अमेरिका, राइट, यू शुड सी योर रिक्वेस्ट शुड फॉरवर्ड टू दिस सर, राइट। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो अगर कोई एशिया से आएगा तो यहाँ चला जाएगा, अगर कोई नॉर्थ अमेरिका से जाएगा तो रिक्वेस्ट यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये फीचर भी आपको AWS प्रोवाइड करता है। क्लियर है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आप चाहो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग सर्वर सेटअप कर सकते हो, और आप चाहो तो एक डिफॉल्ट सर्वर सेटअप कर सकते हो कि बाकी कोई कंट्री का आएगा तो वो उस सर्वर पर चला जाए। तो ये ऐसा आप कर सकते हो।
इसके बाद आती है लेटेंसी, है ना, लेटेंसी आती है। तो लेटेंसी में क्या है, वहां पहले आपका कंट्री वाइज था, अभी क्या है रीजन वाइज है। तो जितने भी रीजन यहाँ पे आप देखते हो ना, ये सारे रीजन उन्होंने रीजन बेस्ड भी, सॉरी उन्होंने रीजन बेस्ड भी दिया हुआ है। तो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर आप चाहते हो कोई सर्वर को सेट करना तो आप कर सकते, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई एशिया पैसिफिक टोक्यो से अगर कोई आता है तो वो इस सर्वर पे पॉइंट आउट हो जाए, और दूसरे किसी रीजन से आता है तो वो वहां पे पॉइंट आउट हो जाए, तो यू कैन, ये भी पॉसिबल। ये तो देख लो, राउट रूट थे आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। और मुंबई रीजन से कोई आता है तो ये उसको, मतलब प्रशांत, ये ऐसा हो गया कि एक तो आपका मतलब ये डीएनएस का जो काम है वो भी कर रहा है, और साथ में ट्रैफिक मैनेजर का काम भी कर रहा है कि ट्रैफिक मैनेज करने ट्रैफिक का। मैनेजर का भी ट्रैफिक मैनेजर का भी काम, बिल्कुल सही है, दोनों काम ही आप। ठीक है जी, तो दोनों सेम ही बना दिया था क्या? नहीं, अलग है ना। टोक्यो के लिए इस सर्वर पर जाएगा और मुंबई के लिए यहाँ जाएगा। और इसके बाद आई थिंक लास्ट नॉट द लीस्ट, पहले एक बार चेक कर लेते हैं, मुझे एक चीज बता दो, व्हाट इज होस्टेड जोन? होस्टेड जोन क्लियर है? होस्टेड जोन क्रिएट कर सकते हो? राउटिंग पॉलिसीज, राउटिंग पॉलिसीज पे अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, एक लास्ट पॉलिसी बची है, बट सिंपल वेटेड फेल ओवर लेटेंसी जियो लोकेशन। तो फेल ओवर पॉलिसी मैंने डिस्कस नहीं किया है तो विल डिस्कस, बट ये पॉलिसीज क्लियर हुआ कि पॉलिसीज का क्या यूज है, राइट? फ्रेंड डिकॉन्ट है, हाँ जी ठीक है। डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप, ए रिकॉर्ड क्लियर हो गया, अलियास कैसे होता है, राइट? और बाकी रिकॉर्ड्स हैं कि मेल सर्वर या टेक्स्ट रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट प्राइमरी आपका ए रिकॉर्ड और अलियास ही यूज होता है, ठीक है, एज ए अलियास आपका और ए रिकॉर्ड यूज होगा। अगर कोई और रिकॉर्ड की आती है जरूरत तो आप उसका फॉर्मेट चेक कर सकते हो और उस फॉर्मेट में दस डिटेल डालनी है, ठीक है जी। तो रिकॉर्ड टाइप समझ में आया। हाउ टू क्रिएट हेल्थ चेक, हेल्थ चेक क्लियर हो गया कि हेल्थ चेक अगर आप यूआरएल बेस करना चाहते हो और आईपी बेस करना चाहते हो, दो तरीके के हैं ना, तो हेल्थ चेक कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। हेल्थ चेक का हम यूज केस देखेंगे अभी, बट हेल्थ चेक अगर आपका वेबसाइट डाउन है या अप है तो आपको बता रहा है, तो वो हमने देखा, ठीक है। डोमेन परचेज कर सकते हो राउट 23 के थ्रू आप, यस ठीक। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ट्रैफिक पॉलिसीज, ये जरूरी नहीं है ट्रैफिक पॉलिसीज एक्चुअली, बट विल कवर। ट्रैफिक पॉलिसीज के थ्रू क्या करते हैं हम, कि जो काम अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ग्राफिकली करते हैं, ग्राफिकली आपको कर सकते हो, बट पॉइंट इज यहाँ पर आपका कॉस्टिंग जो लगता है वो हाफ डॉलर पर मंथ लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली करोगे तो एक डोमेन के लिए जो आपकी कॉस्टिंग आती है वो आती है $50 पर मंथ। तो कोई भी कंपनी प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं कर रही है, ठीक है, ट्रैफिक पॉलिसीज को यूज नहीं कर रहे हैं, वो होस्टेड जोन के थ्रू ही काम कर रहे हैं, बट हम एक बार इंट्रोडक्शन ले लेंगे इसका, ठीक है, बट कॉस्टिंग इसकी काफी ज्यादा है तो हम इसको यूज नहीं कर रहे। हाँ, आपसे कल आपकी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट आती है, या आप एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन हो, है ना, और आपके पास, आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपके पास कंपनी आती है कि मुझे सर्वर चाहिए, मुझे वेबसाइट चाहिए जिसको मैं इंश्योर कर सकूं कि ये हाईली अवेलेबल हो, ठीक है, हाईली अवेलेबल हो और फेल ना जाए, ठीक है, हाईली अवेलेबल रहे, तो आपको लोड बैलेंसर के थ्रू करना पड़ेगा उसको, राइट? और लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के फीचर्स यूज कर सकते हो। तो अब लोड बैलेंसर को आप कैसे डोमेन के साथ मैप कर सकते हो, क्लियर है?
परसेंट। ठीक है, चलो गुड। तो ये हमारे कुछ डिलीवरेबल थे जो मैं चाहता था कि मतलब ये आपका इंश्योर हो जाए कि ये सब चीजें हो और आप क्लियर हो इस पर। तो इसका प्रैक्टिस नहीं किया है तो अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। टुमारो विल ट्राई कि कुछ कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली कर सकें। आई थिंक सारा तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बट कुछ चीजें डेफिनेटली विल ट्राई कि हम प्रैक्टिकली कर पाए। ठीक है, तो मैं कुछ टास्क आप लोगों को असाइन करूंगा और वो टास्क आप कल प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा क्या क्या डिटेल है। अब आ जाओ यूज केस पे हेल्थ चेक के। ठीक है, तो हेल्थ चेक का यूज केस तो सिंपली वैसे यही है कि अगर मैं शायद अपने मेल अभी ओपन करूंगा तो मेरे पास आ गया होगा अलर्ट। एसएनएस टॉपिक जब आप फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हो या क्रिएट करते हो ना, तो 1 मिनट दे दो बस। तो देखो, जब आप फर्स्ट टाइम सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हो ना, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में अगर आप जाओगे, तो मैंने एक वेबसाइट फेल का नोटिफिकेशन बनाया था, मैंने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म नहीं किया। तो कंफर्म नहीं करने की वजह से क्या होगा, मेरे पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको कंफर्म करना पड़ता है कि यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन। उसके बाद कभी भी आप चाहो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। तो SNS का भी बड़ा अच्छा यूज केस है, आई विल टेल यू। आपके पास जो जितने स्पैम SMS वगैरह आते हैं ना, SMS आती है, ईमेल आती है, वो सब इन्हीं की देन है। ठीक है, आपने देखा होगा जब से क्लाउड सर्विसेज आई है तभी से ज्यादा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले हमारे पास स्पैम SMS बहुत कम आते थे। ठीक है, तो कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंफर्म कर दिया मैंने। तो नाउ अभी मेरा अगर कोई हेल्थ चेक फेल होगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। अब आप आ जाओ Route 53 पर, रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हमारा। हाँ ठीक है, तो अभी एक और पॉलिसी है जिसकी मैंने बात किया, वो है आपका जो पॉपुलर है काफी, जियो लोकेशन फेल ओवर पॉलिसी। ठीक है, फेल ओवर पॉलिसी भी हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, फेल ओवर कब यूज होती है? फेल ओवर होता है कि अगर आपका प्राइमरी फेल हो जाए तो सेकेंडरी सर्वर पर फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है, तो एक यूज केस बताता हूँ। आपने कभी देखा है कि आप कोई बैंकिंग वेबसाइट खोल रहे हो या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोल रहे हो और उस पर लिखा हुआ आया है मैसेज कि दिस साइट इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, और राइट नाउ वी आर डाउन, प्लीज चेक आफ्टर सम टाइम। ऐसा कुछ मैसेज देखा है कभी आपने किसी साइट पे फील किया है? कभी कभी किसी साइट पे मेंटेनेंस चल रहा है और आपके पास एक पेज आ जाता है कि वी आर अंडर मेंटेनेंस, राइट आता है। तो वो क्या चीज होती है? तो और फिर उसके बाद जब वो साइट अप हो जाती है, जब वो मेंटेनेंस ओवर हो जाती है तो वो साइट अप हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो वो चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, और ये फेल ओवर पॉलिसी के थ्रू होता है। वहां पे जो भी पॉलिसी, चाहे कोई भी क्लाउड यूज कर रहे हो, वो एक्चुअल में सेकंड फेल ओवर पॉलिसी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो फेल ओवर पॉलिसी क्या कहती है कि अगर मेरी साइट रनिंग है, अप एंड रनिंग है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो साइट डाउन हो गई है तो एक दूसरे सर्वर पे वो या कहीं और पॉइंट आउट कर दे जिससे एक यूजर्स को डिस्प्ले हो जाए मैसेज। ठीक है जी, ऐसा हम कर सकते हैं फेल ओवर पॉलिसी के थ्रू। मैं कोशिश करता हूँ अगर हम इसको प्रैक्टिकली कर पाए। और क्रिएट रिकॉर्ड है आपके पास, और आई Route 53। थिंक प्रशांत ये तो अमेजन के केस में भी उतरेगी वो, अगर आप उनकी शॉपिंग वाली साइट खोलते हैं तो कभी कभार वो दो डॉगीज का फोटो आ जाता है बीच बीच में, जब अगर वो हाँ वहां पे हाँ वो कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल आता है, वो एक डॉगी टाइप का फोटो आ जाता है, वो बिल्कुल होता है। कहाँ से पिक कर रहा है? ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से किया है ना, तो रिकॉर्ड की वजह से साइट पिंग हो गया। ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है और मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड करेंगे, फेल ओवर पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फेल ओवर पॉलिसी में मैं कहता हूँ कि अगर
कोई AWS लर्निंग ओपन करे तो इस सर्वर पर चली जाए एंड ये मेरा प्राइमरी रिकॉर्ड है, ठीक है, और हेल्थ चेक मेरा, हाँ हेल्थ चेक नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये मेरा प्राइमरी रिकॉर्ड है, ठीक है, तो मतलब अगर कोई वेबसाइट ओपन करता है तो सबसे पहले वो किस सर्वर पे जाएगी, प्राइमरी रिकॉर्ड पे जाएगी, ठीक है, और इसे मैंने फेल ओवर सिलेक्ट करी तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो फर्स्ट मैं प्राइमरी सिलेक्ट करूंगा, मेरा प्राइमरी सर्वर कौन सा होना चाहिए, मैंने बोला क्रिएट रिकॉर्ड कर दो, ठीक है, तो मेरे पास देखो आप एक एरर मैसेज आया, इसके पास हेल्थ चेक नहीं है, अगर हेल्थ चेक नहीं होगा तो कैसे पता लगाएगा कि भाई वेबसाइट डाउन है या नहीं है, राइट, तो प्राइमरी जो रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट मेरी जा रही है वो इस सर्वर पर जा रही है और मेरा हेल्थ चेक मुझे एक चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेल्थ चेक कर चेक करता हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट हेल्थ चेक है तो मैं इसको बोलता हूँ ठीक है, लेकिन ये वेबसाइट हेल्थ चेक कब फेल होगा, जब मेरा डोमेन फेल होगा, AWS लर्निंग डॉट इन का डोमेन जब मेरा तब होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको क्रिएट रिकॉर्ड कर देते हैं, मतलब ए रिकॉर्ड विद द सेम नेम स्पेसिफाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो शायद कोई रिकॉर्ड है अभी, हमारे पास दो लेटेंसी के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं तो हम यूज नहीं कर सकते, इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्रिएट रिकॉर्ड किया, अभी तो कुछ दिन पहले तो ये बहुत खतरनाक इंटरफेस हो गया था, अभी तो बहुत बेटर है, एकदम खतरनाक इंटरफेस बना दिया था, वेटेड पॉल सारी पॉलिसीज पहले दिखा देते थे, सब बैठ जाते थे कि हुआ क्या है, फेल ओवर पॉलिसी प्राइमरी चेक, ठीक है सेव, ठीक है, तो मेरी अगर वेबसाइट पे मेरा हेल्थ चेक अगर फेल होगा तो ये पॉलिसी ट्रिगर कर जाएगी, ठीक है, अब मैंने एक प्राइमरी रिकॉर्ड बना दिया, अब मुझे एक दूसरा सेकेंडरी रिकॉर्ड भी बनाना है, ठीक है, तो सेकेंडरी रिकॉर्ड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं किसी दूसरे सर्वर का आईपी डाल दूँ, ठीक है, तो अभी आईपी तो मेरे पास है नहीं दूसरे सर्वर का, तो बाकी मैं दूसरे सर्वर का आईपी बना सकता हूँ, या मैं दूसरा सर्वर क्यों क्रिएट करूं, मुझे अगर सर्वर क्रिएट करता हूं मुझे जस्ट एक मैसेज ही तो डिस्प्ले कराना है कि आवर साइट इज अंडर मेंटेनेंस, ठीक है, तो मैं फिर क्यों पूरा का पूरा सर्वर क्रिएट करूं, मैं इस केस में S3 की वेबसाइट यूज कर सकता हूं, मेरे पास S3 का फीचर है ना, मैं S3 बकेट को यूज कर लेता हूँ, S3 बकेट में मेरी कॉस्टिंग भी काफी कम आ जाएगी, ऐसे कर लेते हैं, आपकी डिपेंड है, मतलब अगर आप चाहो तो एक सर्वर भी बना सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो बकेट का नेम है वो सेम होना चाहिए जो आपका डोमेन का नेम है, तो लेट मी चेक कि वो है या नहीं है, अगर वो होगा तो मैं बकेट भी यूज कर सकता हूँ, तो AWS लर्निंग डॉट इन बकेट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, इसको पब्लिकली चाहिए होगा एक्सेस, ठीक है जी, डोमेन अवेलेबल है, तो ये डोमेन में मैं एक पेज अपलोड कर देता हूँ, पहले इसको स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग अनेबल कर देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बता देना गाइस, कभी कभी मिस हो जाता है, अनेबल, अब मैं एक होस्ट स्टैटिक वेबसाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो मेरा पेज है वो पेज है जो उसको मैं एरर पेज ही लगा देता हूँ, एरर डॉट एचटीएमएल, ठीक है, सेव चेंजेस, ठीक है जी, तो मैंने वेबसाइट पब्लिक कर दी है, पेज इसमें स्पेसिफाई कर दिया है, अब मुझे एक फाइल चाहिए यहाँ पे अपलोड करने के लिए, एरर पेज मेरे पास शायद हो, देख लेते हैं, नहीं है, एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, एरर डॉट एचटीएमएल चाहिए हमें, तो मैंने एरर डॉट एचटीएमएल में जो भी आप कंटेंट थोड़ा सा एचटीएमएल फॉर्मेट सेट करोगे तो बढ़िया पेज सेट हो जाते हैं, और इसको मैं नोटपैड के साथ जिस साइट इज अंडर मेंटेनेंस,
Please have a cup of coffee. And we will meet soon. ठीक है, जो भी आप मैसेज डालना चाहते हो उसमें डाल दिया, सेव कर दिया इसको. व्हाट एल्स फाइल किया. डेस्कटॉप पर अपलोड कर दिया. इसको पब्लिक करना पड़ेगा, इसको पब्लिक कर दिया. ठीक है, तो अगर मैं इस एंड पॉइंट को ओपन करता हूँ तो इट शुड ओपन दिस पेज. ठीक है जी, तो हमारे पास एक मेंटेनेंस एरर पेज भी रेडी हो गया. ठीक है, अभी व्हाट आई नीड टू डू, मैं बोलता हूँ राउट 53 पे फेल ओवर पॉलिसी है. ठीक है, और फेल ओवर पॉलिसी मैं अलियास पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, और किस अलियास पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, S3 वेबसाइट एंड पॉइंट पर. ठीक है, किस रीजन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने शायद यूएस ईस्ट 1 में बनाई थी. और यूएस वेस्ट 2 में बनाई थी. ठीक है, तो यूएस वेस्ट 2 में बनाया था, तो उसको यूएस वेस्ट 2 ले लेते हैं. और मेरे पास ये साइट आ गया. ठीक है, और फेल ओवर पॉलिसी है, और किस टाइप का रिकॉर्ड है, ये सेकेंडरी है. ठीक है, ये कब अवेलेबल होगा, जब मेरा प्राइमरी वेबसाइट डाउन होगा. ठीक है, जब मेरा प्राइमरी वेबसाइट डाउन होगा तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेकेंडरी पर चला जाएगा. तो अब हो गया यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन. ठीक है, अगर प्राइमरी अप है तो प्राइमरी पर चला जाए, और अगर प्राइमरी फेल हो गया तो एक मैंने सेकेंडरी वेबसाइट सेट कर दी है जिस पर ये जा सकता है. ठीक है जी, सेकेंडरी वेबसाइट. अब मुझे यहाँ पे हेल्थ चेक को एवलुएट कराने की जरूरत एक्चुअली में है नहीं. ठीक है, तो मुझे इसके थ्रू चल जाएगा, बट प्राइमरी पे मुझे हेल्थ चेक सेट कराने की जरूरत होती है. अगर मैं हेल्थ चेक नहीं करूंगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट डाउन है. ठीक है, तो ये हो गया. रिकॉर्ड ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या मेरी प्राइमरी वेबसाइट आपका चल रही है. अच्छा, इसमें ना मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ. अभी जो हमने प्राइमरी वेबसाइट लगाई है उसमें जो मैंने हेल्थ चेक लगाया वो एक्चुअली क्या कर रहा है, डोमेन को सर्च कर रहा है ना, AWS लर्निंग डोमेन को सर्च कर रहा है. तो अगर मैं डोमेन को डाउन करना है तो मैं सर्वर डाउन करूंगा तो डोमेन तो डाउन हो जाएगा. ठीक है, लेकिन सर्वर अगर मैं डाउन करूंगा तो मेरा डोमेन तो डाउन हो जाएगा, लेकिन डोमेन अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो वो, चलो ठीक है एक बार चेक करते हैं क्या होता है. तो मेरे पास राउट 53 में रिकॉर्ड बन गए, प्राइमरी इस पर जा रहा है और सेकेंडरी इस केस पे इस पर जाएगा. ठीक है जी, अब मैं ओपन करता हूँ वेबसाइट. बढ़िया चल रही है. हेल्थ चेक का स्टेटस चेक कर लेते हैं. हेल्थ चेक आपके पास आ गया, तो पहले मेरी वेबसाइट अनहेल्दी थी, अभी मेरी वेबसाइट हेल्दी हो गई है. ठीक है, रिस्पॉन्स आ रहा है. अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को स्टॉप, इसको फेल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सर्वर को स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है, इंटेंशनली कर सकते हैं, अगर डाउन नहीं हो रहा तो क्या करें, डाउन करना है. तो इसको मैंने फेल किया, तो फेल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ.
ठीक है जी। तो नॉर्मली कुछ लेटेंसी टाइम होता है 300 सेकेंड बाई डिफॉल्ट सेट है, तो आप मान के चलो अराउंड 5 मिनट्स अराउंड लगेगा इसको अपडेट होने में। सर्वर अभी स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो गया ठीक है। वेबसाइट देखते हैं रिस्पॉन्स आना बंद हुआ या नहीं, तो वेबसाइट से रिस्पॉन्स आना बंद हो गया राइट। तो अब हेल्थ चेक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, हेल्थ चेक एक्टिव हो जाएगा और वो देखेगा कि मेरा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम हेल्थ चेक पर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे स्टेटस अपडेट होने में कुछ तो टाइम ले गई रहेगा ठीक है। तो वेट करते हैं 1-2 मिनट। तो टिल नाउ अभी तक कोई कोई क्वेश्चन पॉइंट समझ में आया? प्राइमरी फेलोवर से हम क्या अटैच यूज कर रहे हैं और जितनी भी पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, अदरवाइज प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के बाद में कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। बट इस सिनारियो क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गई है अभी तक Route 53 में? यस नो मे बी। Yes, Prasanth, I think once we will do the practice, then maybe we have some more questions or हाँ doubts. ठीक है। मैंने देखो मुझे अभी ध्यान आया, मैंने अभी हम लोगों ने गो थ्रू तो किया ही है ना, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। मेन डिलीवरेबल जो आप कंपनी में काम करते हो ठीक Can you send this sheet once? I think I missed this one. है। मिस थिंग Where the all content are there? You just open before this. ये वाला, ये डॉक्यूमेंट नहीं है क्या आपके पास? हाँ, मेरे ख्याल से मिस हो गया मेरे पास है. कोई इशू नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, एक बार हेल्थ चेक मैं चेक कर लूँ यार क्या चल रहा है इसका। ठीक है, अनहेल्दी हो गया ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट क्या हो गई है? अनहेल्दी हो गई है। देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो अनहेल्दी हो गया है आपके पास। गाइस आप लोग देखोगे क्या ये AWSlearning.in बस यहाँ फॉरवर्ड कर रहा Yes, Prasanth has redirected to that your error page. जा रहा है, एरर पेज पे जा रहा है। हाँ, this हाँ site is under maintenance or देख something लिया, like that. मोबाइल पे आ गया ठीक है। तो अभी देखोगे आप तो ये क्या हो रहा है, ये मोबाइल पर सॉरी ये जो है आपका एरर पेज पे रिक्वेस्ट आ गई। तो प्राइमरी फेलओवर क्लियर हो गया ना, ये कई बार आपका यूज होता है। ये ना मेरा कुछ शायद ब्राउजर का सेटिंग है, मतलब अगर मुझे जहां तक लग रहा है ब्राउजर का है या मैंने कहीं डोमेन में सेटिंग किया है, भूल गया। और हाँ ठीक है, देखो ये आ गया है पेज, शायद ना ब्राउजर का सेटिंग है, वो ऑटोमेटिकली www पे जा रहा है। तो ये आपके पास फेलओवर पे आ गया। अब जैसे ही मेरा प्राइमरी अप होगा, जैसे अगर मैं दोबारा प्राइमरी को अप कर दूंगा तो मुझे कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका उसी स्टेटस पर आ जाएगा ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल चेक पॉइंट हो गए, आपने एक हेल्थ चेक भी लगाया हुआ है ठीक है। तो हेल्थ चेक पर जैसे ही आपकी वेबसाइट डाउन होगी ठीक है, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपकी वेबसाइट डाउन है, और आपको पता लग जाएगा आप अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हो ठीक है। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट,
कि स्टिल अगर वो डाउन हुई भी है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके पास आ जाए पेज कैन नॉट फाइंड, आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई पेज जो है वो आपका अभी वेबसाइट आपकी डाउन है और इट विल बी अप सून, ठीक है। तो एक यूजर को जो एक्सपीरियंस होता है वो यूजर एक्सपीरियंस काफी बेटर हो जाता है, इस तरीके की चीज आप क्लाउड 53 के थ्रू अचीव कर सकते हो। और जैसा आपने बोला यहाँ पे डीएनएस मैनेजमेंट प्लस ट्रैफिक राउटिंग का काम, दोनों ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों इसी के थ्रू यूज होता है, ठीक है। सो आज का ज्ञान इतना ही था, यही पॉलिसीज होती हैं और नॉर्मली यही आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिक्वायरमेंट आती है। आज गो थ्रू कर लो एंड कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा, जो असाइनमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो S3 से रिलेटेड होगी, आप IAM यूजर क्रिएट करोगे, एक S3 बकेट पॉलिसी क्रिएट करोगे जिसके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि वो बकेट को सिर्फ वो पर्टिकुलर IAM यूजर ही ओपन कर पाए या उस पर काम कर पाए, एंड डोमेन आप लोग हो सके तो कोशिश करना कि बाय कर लो, एक डोमेन कोई भी कर लेगा अपने वेबसाइट से, सर्वर को मैपिंग जैसे करना है एक वेबसाइट होस्ट करके, ठीक है, वो कर लोगे। और देखते हैं ये दो चीजें अभी फिलहाल है, मैं आपको असाइनमेंट बना के इसकी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, विल डू इट इन। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय। वंस ये ओके फिनिश हम नेक्स्ट VPC पर मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। असाइनमेंट प्लीज लिख के दे देना प्रशांत, लाइक हाँ, आई विल डू दैट। प्रशांत यू सेड दैट जियो जियो लोकेशन का टॉर 53 में बताता बोल के बोला था ना। जियो लोकेशन का राउट 53 में जियो लोकेशन बताया ना उन्होंने, डिस्कस तो किया है। विच वन यू आर टॉकिंग? राउट 53 में जियो लोकेशन पॉलिसी तो हमने अभी डिस्कस किया ना। हेलो, हाँ शेनू, ये लोकेशन बोलो क्या? या प्रेशर जियो लोकेशन तो हमने डिस्कस किया था, जियो लोकेशन लाइक आप कंट्री बेस पर और कॉन्टिनेंटल बेस पर डिफरेंट सर्वर सेटअप कर सकते हो। ओके वही थोड़ा इनडेप्थ में अगर वी हैव होस्टेड वन वेबसाइट इन अ यूएस रीजन, वो वेबसाइट जो इंडिया में तो नया था ना, वो आने के लिए जो आईपी को अपन व्हाइट लिस्ट करता ना, जो आईपी रिक्वायरमेंट है एक्सेस करने के लिए। व्हाइटलिस्ट? नहीं, आई डोंट नो, मतलब आपका कोई डाउट है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं इसमें आपका पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपका जैसे सपोज करो US की वेबसाइट है, ठीक है, आपने बोल दिया कि इसको ऐसे ले लेते हैं, आप कहीं एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बोला US का वेबसाइट है, चलो कैलिफोर्निया ले लिया, ठीक है, और इसको वापस होल्ड करो। ओके गाइस, एनी वन अदर वांट टू लीव यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड जियो लोकेशन, ठीक है, US के लिए आपने यस, नॉर्थ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया सर्वर का IP पिक कर लो। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।